हेलो फ्रेंड्स आज का जो हमारा वीडियो है वो इस बात पर है कि हम ड्रिल मशीन के कार्बन कैसे चेंज करें यहां पर मैंने दो ड्रिल मशीन लिए एक है रेगुलर स्पीड वाली और एक है वेरिएबल स्पीड वाली मैं इन दोनों मशीनों के बताऊंगा कि कार्बन कैसे चेंज करते हैं अगर आप दूसरी मशीनों की बात करें जैसे कि वुड कटर मशीन या फिर एयर ब्लोअर तो अगर मैं आपको एयर ब्लोअर दिखाऊं तो उसके कार्बन भी बाहर रहते हैं ये देखिए दोनों कार्बन बाहर हैं और अगर हम वुड कटर मशीन की बात करें तो वुड कटर मशीन के कार्बन भी बाहर रहते हैं ये बहुत ईजी है यहाँ से पेचकस से खुला और कार्बन चेंज हो गए बट जो ड्रिल मशीन होती है उनके कार्बन होते हैं मशीन के अंदर हमें उसके लिए मशीन खोलना पड़ती है और फिर करने पड़ते हैं कार्बन चेंज वैसे तो ये कार्बन चेंज करना बहुत ही आसान है वही मैं आज आपको बताऊंगा और हाँ अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आ सके तो चलिए करते हैं ड्रिल मशीन के कार्बन चेंज तो मैं सबसे पहले आपको ये वेरिएबल स्पीड वाली मशीन का कार्बन चेंज करके बताऊंगा कि इसका कार्बन कैसे चेंज करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें इसके दस स्क्रू खोलना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये दस स्क्रू खोलेंगे और हां हमें इसका चक नहीं खोलना है ऐसा नहीं है कि चक खोलेंगे तब ये मशीन खुलेगी नहीं सिर्फ स्क्रू खोलना है और ये मशीन हमारी खुल जाएगी तो चलिए सबसे पहले हम खोलते हैं इसके स्क्रू हमने इस मशीन के सारे स्क्रू खोल दिए अब हम इसको खोलेंगे तो पेचकस की मदद से आप जरा थोड़ा इसको ढीला कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी टाइट रहती है मशीन तो ये मैंने ढिला कर दिया इसको और अब मैं इसको जरा खोल लेता हूं थोड़ा पेशेंसली खोलिएगा खुल जाएगी आराम से जल्दीबाजी मत करिए ये देखिए ये मेरी मशीन खुल चुकी है अब इसमें आपको कैबिनेट देखने दो कैबिनेट देखिए मैं आपको दिखाता हूं एक ये कैबिनेट है और एक ये कैबिनेट है हमें इसको निकालना है तो अब कैसे निकालेंगे आप इसको पेचकस की मदद से भी निकाल सकते हैं या फिर प्लकर से ऐसे खींच भी सकते हैं ये देखिए ये मैंने निकाला और ये मेरा कार्बन आ गया बाहर वैसे तो मेरे कार्बन अभी अच्छे हैं अगर आपके कार्बन खराब हो जाए तो कहे चेंज करना है मैं आपको ये बता रहा हूँ और ये हमारा एक कैबिनेट है ठीक है ये देखिए यह है और अब मैं इसको निकालता हूँ बाहर ये पकड़ पकड़ा या आप पेचकस की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं जी देखिए तो ये हमने अपने कैबिनेट और कार्बन निकाल दिए अब इसको फिट कैसे करना है तो जो आपका खराब वाले कार्बन है ये आप हटा दीजिएगा और नए कार्बन लगा दीजिए नए कार्बन आपको मार्केट से मिल जाएंगे बीस से पच्चीस रुपये में इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है सस्ती होती है और हाँ गाइस अगर आपकी मशीन हार्ड चलने लगे या इसमें धुआं निकलने लगे तब हमें कार्बन चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो क्या होता है हम शॉपकीपर के पास जाते हैं शॉपकीपर हमसे 250 से 300 रुपए चार्ज करता है जबकि ये काम 20 से 25 रुपए में आप खुद ही घर पर कर सकते हैं तो चलिए वापस से हम कार्बन अपने फिट कर देते हैं तो ये कैबिनेट है इसमें लगाया मैंने अपना वायर ये वायर लगाया मैंने और ये मैंने लगाया कार्बन ठीक है और कार्बन में एक्चुअली स्प्रिंग रहती है तो यहाँ पे रहता है टेंशन ये देखिए ठीक है अब मैं इसको ऐसे के ऐसे ही जहाँ से मैं निकाले थे मैं उसमें फिट कर दूंगा ये देखिए ये मेरा फिट हो चुका है ये मैंने यहाँ पे वायर लगाया ये मैंने कार्बन लगाया और ये यहां पे इसका ब्रैकेट दिया हुआ है ये देखिए इस ब्रैकेट में मैं ऐसे कैसे इसको फिट कर दूंगा तो ये मेरे कार्बन फिट हो चुके हैं अब मुझे करना है वापस अपनी बॉडी फिट तो इतना सिंपल है इसका कार्बन चेंज करना तो हमने अपनी मशीन ये कर लिए पूरी फिट हमने इसे खोले थे पूरे दस स्क्रू अब हम खोलते हैं ये वाली मशीन जो कि है रेगुलर मशीन अब जो रेगुलर मशीन होती है जिसको हम लोग सिंगल स्पीड मशीन बोलते हैं उसमें हमें सिर्फ तीन स्क्रू खोलना है वन टू थ्री तो चलिए खोलते हैं इसके स्क्रू अब इस मशीन के जो कैबिनेट है वो ये लगे एक यहां पे लगाए और एक यहां पे लगाए इसको भी हम सेम उसी तरीके से निकाल लेंगे यह मैंने लिया ये देखिए ये मेरा निकल गया एक और ये सेकंड ये देखिए मैंने बताया था ना यहां पे स्प्रिंग रहती है तो इसमें टेंशन रहता है कभी कभी ऊपर उचक जाएंगे तो आपको फिर ये सारे वापस फिट करना पड़ेंगे अच्छा ये जो कार्बन रहते हैं ये मशीन टू मशीन डिफरेंट रहते हैं मैं आपको इस मशीन के कार्बन भी दिखाता हूँ ये बड़े हैं और ये छोटे हैं अगर आपकी मशीन हैमर मशीन है या फिर 26 सिक्स mm, एम या फिर 32 टू एम एम तो उनके भी कार्बन अलग होंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर मशीन के कार्बन अलग अलग होते हैं तो आप सैंपल लेके ही शॉप पे जाइएगा अब ये कार्बन बड़े हैं तो अगर आप गलती से ये कार्बन लेके आ जाएंगे तो ये इस कैबिनेट में जाएंगे ही नहीं ये देखिए क्योंकि ये बड़े कार्बन है इस मशीन के लिए छोटे कार्बन आते हैं जो कि हैं ये और ये बड़े कार्बन है अगर आपको थोड़ा पास से दिखाऊँ तो मैं दिख रहा है आपको ये बड़ा है ये छोटा है इसे जब भी आपको कार्बन चेंज करना हो तो जो पुराने आपके टूटे हुए कार्बन है या जो घिसे हुए कार्बन है वही लेके जाए ताकि आप सही कार्बन ला सकें तो चलिए आप जल्दी से इसे कार्बन हम फिट कर देते हैं ये देखिए मेरा ये कार्बन भी फिट हो चुका है और ये कार्बन भी फिट हो चुका है अब हम करते हैं पूरी मशीन को फिट तो फ्रेंड्स आपने देखा हमने कितनी आसानी से अपनी दोनों ड्रिल मशीन के कार्बन चेंज किए और हां अगर आपको मशीन या फिर टूल्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं अभी तक के लिए इतना ही स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग